उम्मीद करते हैं आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए डोनट्स। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, तो शुरू करते हैं। इसकी अज्जा मैं आपको बताती चलूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1.25 कप मैदा, 1 कप भर के और 4 टेबल स्पून लेवल करके लिया है मैंने इसे। 1 कप मैदा और 4 टेबल स्पून भर के लेवल करके मैदा लिया है हमने। वेनिला एसेंस लिया है, मेरे पास एसेंस नहीं था, पाउडर था, तो मैंने पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून दही लिया है, 3 टेबल स्पून अंडा लिया है, 1 अदर शुगर ली है, पिसी हुई घर की पिसी हुई चीनी ली है मैंने 1/2 कप, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ये जायफल ली है हमने, बस ये इतनी सी ली है मैंने, बिल्कुल चुटकी से भी कम ली है ये मैंने, और ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। एक अंडा डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा जो भी चीज़ हो। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दही 3 टेबल स्पून लिया है मैंने। इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऑयल दही और अंडा इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसा करके मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको। चीनी ऐड कर लेंगे। डाल दी है इसमें मैंने, मैं इसको बीचर से करेंगे इसको हम। आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको, विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। वेनिला पाउडर है ये मेरे पास। सॉल्ट 1/2 टीस्पून लिया था हमने, और जायफल ली है हमने, ये बिल्कुल दरासी ली है मैंने, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सारा मैदा, स्टिकी हो रहा है ये बहुत ज्यादा, आप हाथ पे थोड़ा सा बटर लगा के इसको छोड़ दें तकरीबन घंटे भर के लिए, ताकि ये राइज हो जाए। हल्का हल्का, बहुत हल्का सा, मामूली सा उंगलियों पे मैदा लगा के आप इसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने हल्का मैदा भी लगाया है हाथ पे और हल्का सा बटर भी लगाया है हाथ के ऊपर, देख लें। और फिर ये हो गया है, तो मैं रख रही हूँ, अब रैप कर देंगे इसको हम। उसके बाद 1 घंटे के, जब तक हम इसकी आइसिंग तैयार करते हैं, एक हम चॉकलेट की आइसिंग तैयार करेंगे, एक स्ट्रॉबेरी की, और एक प्लेन वाइट चॉकलेट की आइसिंग तैयार करेंगे। तो हम आइसिंग तैयार करेंगे इसकी। इसके लिए मैंने शुगर को पीस लिया है, घर की जो नॉर्मल शुगर होती है उसको 1 कप चीनी को लेके मैंने पीस लिया है। अब देखते हैं इसमें से हमें कितनी चाहिए।
तकरीबन हमें आधा कप चीनी चाहिए किसी भी। आधा कप चीनी हमने ले ली। दूसरी आइसिंग हम तैयार करेंगे। चॉकलेट को डबल बॉयलर पर रखकर मेल्ट करेंगे। एज इट इज़ इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। और दूसरी जो एक आप घर में भी बना सकते हैं, अगर चॉकलेट नहीं है आपके पास तो आप कोको पाउडर लेके बना सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और इसके लिए हमने लिया है ये फ्रेश मिल्क, इसको हम बनाएंगे पिंक कलर का। इस आइसिंग को बनाएंगे हम पिंक कलर का। इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी एसेंस, 2 से 3 कतरे इसमें डालेंगे एसेंस के। चंद कतरे लेंगे एसेंस के, देखिए 2 से 3 कतरे। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। रेड फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे, फिर देखते हैं हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी। 1 टेबलस्पून मिल्क का लेंगे, थोड़ा सा और डाल लेंगे, तो मिक्स करेंगे। दूसरी हम बनाएंगे चॉकलेट की, इसके लिए हम आधा कप भर के शुगर लेंगे और 2 टेबलस्पून हम कोको पाउडर लेंगे। दो बनाएंगे हम, एक हम चॉकलेट से बनाएंगे। चॉकलेट नहीं है आपके पास तो आप कोको से बना लीजिए। एक चमचा हम टेबल स्पून एक भर के मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। कम लगेगा तो और ऐड कर लेंगे हम। व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है हमारी, डबल बॉयलर पर रखा था हमने। ऐसे ही रखिएगा, नीचे पैन में किसी में पानी ले लीजिएगा और ऊपर से कोई बाउल रखिएगा। उसके बाद इसको फ्लेम ऑफ करके आप इसको बाउल रखिएगा। जब पानी बॉयल हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, फिर ये बाउल रखिएगा। आप इसके अंदर फिर चॉकलेट डाल दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगी।
फ्लेम हमारी तेज नहीं होनी चाहिए और आयल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इनको पलटूंगी। कलर आप देखें कितना अच्छा आया, इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी, फिर बाकी सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो तैयार हो चुके हैं, हमारे तमाम डोनट्स। अब इनको ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर हम इनके ऊपर आइसिंग करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में, फिर हम आपको दिखाते हैं आइसिंग करके। जी व्यूअर्स, तो ठंडे हो चुके हैं डोनट्स, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने शुगर के साथ और कोको पाउडर के साथ जो आइसिंग बनाई थी उसके साथ इसको करेंगे। करने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ऐसे ही होनी चाहिए। शुरू करते हैं। पहले हम लगाएंगे स्ट्रॉबेरी वाली, तो अच्छी तरह इसमें ऐसे हाथ से घुमाएंगे। व्हाइट चॉकलेट जो हमने उससे डिजाइन बनाएंगे इसके। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं, आपके सामने सब कुछ किया है। तो इसका बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, इससे आप परेशान नहीं होइएगा। आप इसको बस मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दीजिएगा पैन के आटे के बोल में। फिर आप जब इसको निकाल के 1 घंटे के बाद बनाना शुरू करेंगे तो हाथों पे थोड़ा सा मैदा लगा के, तो फिर आप इसको उठाइएगा, मैदा लगा लें या बटर लगा लीजिए हाथों के ऊपर, तो उससे उठाइएगा। फिर आप सिर्फ इसको ऐसे ही काउंटर के ऊपर रख के फैलाइएगा हाथों की मदद से, और मैदा डस्ट करके फिर बेलना शुरू कीजिएगा, तो फिर ये सही हो जाएगा, आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, मैंने बहुत छोटे छोटे से बनाए हैं ये डोनट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।